بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نجات لے جاؤ حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ آنسوں کے وس کائنات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ یہ کربلا کی بستی ہے یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے کفر میں اس کے لپٹوں حیات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کہیں گے ماتمی حلقوں میں لوگ میں شرمے کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں غم حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ حسین با رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ نہیں کروں گا لحد میں میں انتظار سحر فرشتوں کرب و بلا رات و رات لے جاؤ حسین با رہے ہیں نجات لے جاؤ
कहेंगे मातमी हलकों से लोग मैशर में हमें हुसैन की जन्नत में साथ ले जाओ। हुसैन बाट रहे हैं निजात ले जाओ। कुछ आंसुओं के वज कायनात ले जाओ। हुसैन बाट रहे हैं निजात ले जाओ। बर मोहम्मद वाल मोहम्मद सलवात। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिन शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबिल्लाहिल आलमीन सय्यदना व नबीना व हबीब कुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्म सल्लि वाला अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन ला सीमा ला बकियतिल्लाहि फिल अर्दीन व हुज्जतिही अलल आलमीन व लअनुद्दाइम व लअअदाइहिम व मुनकिरी फज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूकिहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्महिम व ग़स्बिहिम व अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीयकल हुज्जत इब्ने हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाए फी हादिहि साअ व फी कुल्ले साअ वलिया व हाफिज़ा व क़ायदा व नासिरा ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا। اللهم صل على محمد। اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। 23वीं शब माह मुबारक रमज़ान के एतबार से ये गुफ्तगू हो रही है और ज़ाहिर सी बात है 23वीं शब शब जुमा, लेकिन बहरहाल हम अपने मौजू से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कम से कम हटें, लेकिन बहरहाल ये भी नहीं हो सकता कि हम शब कदर के हवाले से कोई बात ना करें। हसब आदत हसब वादा हसब तरीक़ा हम एक फ़िक्र मसले पर बात करेंगे जल्दी से, और इसके फ़ौरन बाद जो है वो कुछ बातें शब कदर के हवाले से, दुआ मकारम अखलाक के हवाले से। अज़ान ये बात जहन में रखिए कि हमने फितरे के हवाले से एक दो बातें आपके सामने पेश की, मज़ीद इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। तो एक दो जुमले एक दो सवालात जो मज़ीद इस बारे में अहमियत के हामिल हैं वो ये हैं कि जब हमने बात की कि भाई वो चीज़ें फितरे के तौर पर दी जाएं या उसकी कीमत दी जाए कि जो आपके इलाके में राइज हैं, आपके शहर में राइज हैं ग़िज़ाई अजनास के तौर पर, थोड़ा सा इस बात को अगर गहराई में जाकर समझें तो हमारे कई सारे उलमा ने फतवा दिया कि गंदम जौ खजूर या किशमिश इन चार में से कोई एक चीज़ जो है फितरे के तौर पर दी जाए तो लखी बात किया करते थे। लेकिन आगा सिस्तानी ने बतौर ख़ास कहा कि इन चारों में से भी वही चीज़ें चलेंगी
जो आपके यहाँ आपके इलाके में आपके शहर में एक बेसिक फूड के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होती हो, मानी जाती हो, कही जाती हो, तो अरबों में जो है वो गंदम, जाहिर सी बात है गंदम और जौ ये बेसिक फूड था, लेकिन खजूरें भी बेसिक फूड था इन टर्म्स ऑफ सालन, तो वो भी बेसिक फूड माना जाता था। लेकिन अब चूंकि हमारे इलाके में जो है वो बेसिक फूड के अंदर चावल आते हैं, गंदम आता है जो बेसिक हमारा फूड है, तो यूँ समझ लीजिए कि गंदम या जौ भी शायद इजाज़त ना मिले आगस्तानी के अतबार से, तो गंदम या चावल वगैरह की जो इजाज़त मिलेगी, द बेस्ट इज़ गंदम, ताकि हर अतबार से जो है तमाम उलमा मुत्तफिक हो जाए। अब समझाना ये है कि गंदम तक तो चले बात बड़ी आसान हो जाती है, लेकिन चावल पर आती है तो बात थोड़ा सा मज़ीद एक दो सवाल जहनों में आते हैं, और वो ये कि भाई हमारे घर में मिसाल के तौर पर खाया जाता है इतने रुपए किलो वाला चावल, तो क्या फितरे में भी वही देना ज़रूरी है, उससे अच्छा देना ज़रूरी है, या उससे कम वाला भी चल जाएगा? इसका जवाब बड़ा सिंपल है, ये शर्त नहीं है कि आप वही चीज़ दें जो आपके घर में खाई जाती हो। नहीं, इस्लाम में शर्त हटा दी, आप कहने में वही दूंगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा और क्या होगा। हाँ, ये इजाज़त आपको नहीं मिलेगी कि आप कोई बहुत ही थर्ड क्लास किस्म की क्वालिटी दें, नहीं वो भी नहीं चलेगा। अब आपको इजाज़त नहीं मिलेगी कि आप 60-70 रुपये किलो वाला चावल जो है जाके मिसाल के तौर पर फितरे के अंदर देखे आ जाए, 100 रुपये वाला चावल आप जो है मसलन फितरे में जाके देखे आ जाए, नहीं वो नहीं चलेगी। ऐसा होना चाहिए चावल जो चलता हो। तो खुलासा ये है कि लेकिन बहरहाल ये ज़रूरी है कि वो माशरे में एक एक्सेप्टेबल आपकी सोसाइटी में आपके शहर में एक्सेप्टेबल फूड के तौर पर उसको कंसिडर किया जाता हो, चाहे बहुत बड़े हल्के में ना सही लेकिन एक मुनासिब हल्के में उसको फूड समझा जाता हो, और इसी का फ़ायदा होगा। एक और मसला हाथ के हाथ में बता दूँ कि जिस इलाके में आप फितरा दे रहे हैं वहाँ की कीमत आप देंगे, यानी मिसाल के तौर पर फर्ज कर लीजिए आप पाकिस्तान के किसी और शहर में रहते हैं, किसी गाँव में रहते हैं, और वहाँ मसलन गंदम बहुत ज़्यादा उगती है, बहुत ज़्यादा पैदा होती है, इतनी कि वहाँ पर जो नॉर्मल लोग गंदम खरीदते हैं एक दूसरे से मसलन, वो गांव में मसलन फ़र्ज़ कर लें 50-60 रुपए में किलो मिल जाती, शहर के अंदर से जो है 300-150 रुपए किलो मिल रही है मिसाल के तौर पर। तो अब आप शहर में दे रहे हैं तो आप 150 रुपए के हिसाब से देंगे, 200 रुपए के हिसाब से देंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि यार गाँव में तो 50 रुपए, तो मैं 50 रुपए दे दूँ, फिर ठीक है काम करें आप गाँव से गंदम मंगा लें, वो गंदम दे दें फितरे में, वरना आप यहाँ पर दे रहे हैं तो यहाँ वाला गरीब यहाँ के हिसाब से वो फितरा की रकम लेगा, ना आपके गांव के एतबार से, और इसके बिल्कुल वाइस वर्सा, आप बेशक कराची में रहते हैं लेकिन फितरा आप वहाँ पर दे रहे हैं अपने गांव में, वहाँ किसी गरीब को दे रहे हैं, और वहाँ मसलन 50-60 रुपए की गंदम मिल जाती है, आटा मिल जाता है, तो फिर आप वहाँ की कीमत दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कराची की कीमत दें। तो अगर आप गाँव में दे रहे हैं मिसाल के तौर पर, और वहाँ फ़र्ज़ कर लें 100 रुपए की आटा है, तो आप 300 रुपए फितरा निकालें, और शहर में आप दे रहे हैं फ़र्ज़ करें 200 रुपए, तो आप 600 रुपए निकालेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गांव में रहने वाले हैं कि शहर में रहने वाले हैं, ये देखा जाएगा कि फितरा कहां पर दे रहे हैं आप। लिहाजा मिसाल के तौर पर दुबई में, सऊदी अरब में, मिसाल के तौर पर जो है वो अमरीका में, ऑस्ट्रेलिया में आपके रिश्तेदार रहते हैं, वो फितरा देना चाहते हैं, अगर वो पाकिस्तान में दे रहे हैं पाकिस्तान की प्राइस के हिसाब से देंगे, अब आपको जो प्राइस बहुत महंगी लग रही होगी उनको बहुत सस्ती लगेगी कि भाई हम तो आटा लेने जाते हैं मिसाल के तौर पर, हमें $4 का किलो मिलता है, $3 का किलो मिलता है, तो हमारा तो $10-12 बन जाएगा फितरा एक आदमी का, जबकि आपके पाकिस्तान में $1 भी नहीं है, $1 नहीं समराज 250 रुपये का तो नहीं आटा किलो। तो ठीक है, जहाँ फितरा निकाला जा रहा है वहाँ की कीमत होगी, जहाँ का रहने वाला है वो ज़रूरी नहीं है। अगर बात समझा पाए तो सल बात पढ़ देंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। अज़ान गिरामी, दुआए मकरमुल अखलाक, लेकिन आज तो बहरहाल इन्हें जब हम शब 23 के हवाले से बात कर रहे हैं तो वैसे ही दुआओं की रात है, वैसे ही रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ अदब और नियाइश की रात है। कुरान मजीद इरशाद फरमा रहा है, इन्ना आतीना इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को इस लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है।
लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये एक रात हज़ार महीनों से अफजल है। यानी गोया अगर मैं बहुत जल्दी जल्दी बात को आगे बढ़ाऊँ तो यूँ समझ लीजिए कि लैलतुल क़द्र एक रात है लेकिन ये एक रात हज़ार महीनों से अफजल हो जाती। तो अगर हम यूँ कहें कि भाई इस एक रात की इबादत हज़ार महीनों की रात से बेहतर, इस एक महीने का इस एक रात का सदका हज़ार महीनों के सदक़े से बेहतर, इस एक रात का इल्म हज़ार महीना इल्म हासिल करने से बेहतर, जो इस एक रात में करोगे हज़ार महीनों से बेहतर है। मैं समझाने के लिए एक मिसाल अक्सर देता हूँ, मुझे नहीं पता ये अच्छी मिसाल है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैथमेटिकली समझना इंसान के लिए आसान होता है। हज़ार महीने का मतलब होता है तकरीबन जो है वो ज़िंदगी के 80 से प्लस साल, ठीक है ना, इंसान की पूरी ज़िंदगी। अब हज़ार महीने नहीं पता, मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ, फ़र्ज़ कर लें कि इंसान सारी ज़िंदगी का जो एवरेज है कमाने का, फ़र्ज़ करें जनाब अली जो है वो एक साल के 10 लाख रुपये कमाता, या सॉरी सिंपल एक महीने के 1 लाख रुपये कमाता है, 10 महीने के 10 लाख रुपये कमाता है, तो हज़ार महीने में कितना कमा लेगा? 1,000,00,000 रुपये, यानी 100 मिलियन रुपये आसान अल्फाज में, या 10 करोड़ रुपये और ज़्यादा आसान अल्फाज में। अब आप हिसाब किताब करते रहिएगा, मेरा ख्याल है 10 करोड़ रुपये हो गए, हो जाएंगे मैथमेटिकल, आई डोंट नो। तो इंसान फ़र्ज़ करें ज़िंदगी की पहली सांस से लेकर और हज़ार महीने तक, अब इसके अंदर तालीम जो है वो शादी वो सब शामिल है, जवानी बुढ़ापा जॉब मिली नहीं मिली, मैं एवरेज लगा रहा हूँ कि भाई फ़र्ज़ करने आप ज़िंदगी की पहले साल महीने से लेकर ज़िंदगी के आखिरी महीने तक 1,000,00,000 रुपये कमाए आपने, तो भी आपने मिसाल के तौर पर 10 करोड़ रुपये कमाए, सारी ज़िंदगी का आपका हासिल 10 करोड़ रुपये, पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक फ़र्ज़ करें आप 1,000 महीने जिंदा रहे। अब मुझे ईमानदारी से बताइए कि अगर आपकी कोई ऐसी लॉटरी निकल जाए, कोई ऐसा टिकट निकल जाए, आपको ऐसा कोई प्राइज़ मिले कि आपको जनाब अली जो है वो 10 करोड़ रुपये एक साथ मिल जाए, तो आप कह सकते हैं ना कि भाई ये एक टिकट एक तरफ और मेरी सारी ज़िंदगी एक तरफ। बस अगर ये दुनियादारी की मिसाल समझ में आ गई तो आपकी सारी ज़िंदगी की इबादतें एक तरफ या आपकी एक रात की इबादत एक तरफ। शब कदर इतनी अहम है और ये बराबर नहीं है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, शब कदर हज़ार महीनों से बेहतर है। क्या होता है इसके अंदर? तनज़्ज़ुलुल मलाइका वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। इस रात में एक जो एक तो हमने कुरान नाजिल किया, लेकिन अब ऐसा तो नहीं ना कि हर साल कुरान नाजिल हो रहा, कुरान ज़िंदगी में एक बार नाजिल हो, उससे हज़ारों साल पहले शब कदर आ रही थी, तो शब कदर का जो असल काम था वो हो रहा था। कुरान नाजिल होने के हज़ारों साल बाद शब कदर आती रहेगी, जो शब कदर का असल काम है वो होता रहेगा। इन हज़ारों शब कदर में से एक शब कदर ऐसी भी थी जिसमें परवरदिगार ने एक एक्स्ट्रा काम किया, वो था नुज़ूल कुरान। अपनी बात समझा पाया कि नहीं? गौर फरमाने, तो जो कुरान नाजिल होने के लिए परवरदिगार ने शब कदर का अहतमाम किया, तो इसका मतलब इतना तो समझ में आता है कि परवरदिगार को लिंक करना है शब कदर को कुरान के साथ और कुरान को शब कदर के साथ। तो अगर आप शब कदर के अंदर कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान पर गुफ्तगू करते हैं, कुरान की दो आयतों को समझने की कोशिश करें, मुबाहसा करें, तफसीर पढ़ें, आप यकीन जानिए बेहतरीन इबादत है इंशाल्लाह। मैं कोई आयत हदीस नहीं पढ़ रहा हूँ कि आपके इमरान साहब ने नया अमल बता दिया, लेकिन समझ में आता है कि इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कुरान को हमने शब कदर में नाज़िल किया, तो ठीक है कुरान के अमल हम करते हैं ना, कुरान खोलते हैं और खोल कर दुआ पढ़ लेते हैं, कुरान फिर भी नहीं पढ़ते, थोड़ा तो कुरान भी पढ़ लें, कुरान को सर पे रखते हैं, यानी गोया खुदा को बता दें महबूब देख मेरे सर पर कुरान का साया है। बाबा सर पर कुरान का साया यकीनन खुदा करे हमेशा बाकी रहे, लेकिन जिंदगी पर कुरान का साया नजर आना चाहिए। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह, जो हर साल का काम है वो क्या है हर शब कदर का? तनज़्ज़ुलुल मलाइका वर्रूह फीहा, कुरान रूह रूल अमीन नाजिल होते हैं, जनाब जिब्रील से ताबीर की अक्सर ने, मलाइका नाजिल होते हैं, खुदा बेहतर जानते हैं क्या तफसीर है इसकी। मलाइका बहुत सिंपल है, रूह क्या तफसीर है खुदा बेहतर जानता है। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह फीहा, इस रात में नाजिल होते हैं बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के इज़्न से नाजिल होते हैं, अपने रब के इज़्न से नाजिल होते हैं, परवरदिगार इजाज़त देता है तो नाजिल होते हैं, उसका इज़्न है। मिन कुल्ल अर, हर अम्र लेकर नाजिल होते हैं। बस अब यहाँ पर आकर तो मैं कहूँगा मिन कुल्ल अम्र, अगर हर अम्र लेकर नाजिल होते हैं किस पर नाजिल होते हैं?
याद रखिएगा, एक उलिल अम्र का होना जरूरी है, मिन कुल अम्र। और उलिल अम्र कौन है? जमाने के इमाम की ज़ात अक़दस के सिवा कोई नहीं। लिहाजा मैं अक्सर कहता हूँ कि सारे साल का जो बेहतरीन महीना है वह रमज़ान, रमज़ान का जो दिल है वह शब कदर, और शब कदर के इस दिल की धड़कन जो है ना, उसका नाम इमाम ज़माना। लिहाजा आप देखिए शब कदर के अमाल में सबसे अहम इबादत पता है कौन सी है? नहीं, सबसे अहम से शायद मुझे कहना नहीं जेब देता, लेकिन वो इबादत जिसके बारे में कहा गया कि बार बार करो, वह है दुआए सलामती इमाम ज़माना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्म कुल्ले वली कल हुज्जत बिल हसन सलावात अलैहि व अला आबाहि फी हाज़िहि सआत व फी कुल्ले सआ वलियम व हाफिज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअ व तुमत्तअहु फीहा तवीला। और क्या करम है परवरदिगार का, इस बार जो शब कद्र नसीब हो रही है, शब कद्र भी है, शब जुमा भी है। शब कद्र के अमाल में बेहतरीन अमल में से एक सरकार सैयद शहदा की ज्यारत, शब जुमा के अमाल में से बेहतरीन अमल वाला हुसैन इब्न अली की ज्यारत। जन्नतुम मिनन्नार, हुसैन इब्न अली की ज्यारत करें, जहन्नम से आग से निजात का परवाना है। और शब कद्र वो रात है जिसके बारे में शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अर्शाद फरमाती हैं, पर नसीब है वो शख्स शब कद्र गुजर जाए और अपने आप को जहन्नम की आग से आज़ाद ना कर सके। इस रात में जो मांगना है मांगे, परवरदिगार दे रहा है, बांट रहा है, यानी गोया यूं समझ लीजिए कि परवरदिगार निदा दे रहा है कोई मांगने वाला, है कोई बख्शिश लेने वाला। शब जुमा, शब रहमत, शब कद्र पेश करना अपनी आजाद को, दुआओं को खुदा की बारगाह में। और एक बात जहन में रखें, पता नहीं क्यों मैं जो जिन मुतालात के बाद ये नतज हैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, खुदा बेहतर जानता, लेकिन जिन नतज में मैं पहुँचा कि अहम तरीन चीज़ों में से एक है जहन्नम की आग से निजात, जहन्नम की आग से निजात। आप देखिए इस रमज़ान के अंदर 13, 14, 15 अजाम 20 के अंदर दुआ मुजीर की तलावत बतौर ख़ास की जाती है। खुलासा क्या उस दुआ का? एक, अजर ना मिनन्नार या मुजीर, जहन्नम की आग से निजात देते। शबा कदर के अंदर दुआ जोशन कबीर की तिलावत होती है, हज़ार नाम लेकर खुदा को पुकारते हैं, उसकी बारगाह में फरियाद करते हैं, उसको बुलाते हैं, कितने खूबसूरत नामों से बुलाते हैं, लेकिन जब वो तवज्जो करता है बुलाते हैं तो मांगते कुछ नहीं, एक ही चीज़ मांगते हैं, सुबहानक या ला इलाहा इल्लात, तो वो नज़्ज़ा है मेरे बाबू, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्लात, अलगौस अलगौस, मदद कर मदद कर, क्या मदद कर, खल्लिसना मिनन्नार, जहन्नम की आग से निजात दे दे। दुआ मुजीर का खुलासा अजरना मिनन्नार, दुआ जोशन कबीर का खुलासा खल्लिसना मिनन्नार। गौर फरमा रहे, आमाले कुरान का खुलासा, आमाले कुरान में आप देखें जो सारी दुआएं, यानी कुरान खोल कर दुआ, सर पर रख के दुआ, मांगने की एक चीज़ है, अंतजअलनी, जब कुरान खोल कर पढ़ते हैं, अंतजअलनी मिन उतकाइका मिनन्नार, महबूब मैं तुझसे मांग एक ही रहा हूँ, अंतजअलनी, तू मुझे करार दे, मिन उतकाइका मिनन्नार, उन लोगों में से जिनको तू जहन्नम की आग से आज़ाद कर रहा। आप देखिए रमज़ान का महीना, एक ख़ास दुआ जो हम हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, ताकीद है हर नमाज के बाद पढ़ने की, या अली हो या अदीम या गफूर हो या रहीम। अच्छा, इतनी सादा अरबी तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं, खुदा को पुकार रहे, या अली हो या अदीम हो, तर्जुमा जानते हैं, या गफूर हो, ए मगफरत करने वाले, या रहीम, अंत रब्बुल अदीम, तू रब अदीम है, लैसा कमिस्ले शय, कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं, वो समीउल बसीर, वो सुनता भी है देखता भी है, वहाँ दशहर नज़मत हो व करमत हो, ये वो महीना जिसको तूने अजमत दी, करामत दी, शरफ़त हो व फजलत हो, शराफत दी, फजीलत दी, अल शहूर, सारे महीनों पर, वह शहर रमज़ान, ये रमज़ान का महीना है, अल्लज़ी अंज़लत फ़ीहिल क़ुरान, जो तूने इस महीने में कुरान को नाज़िल किया, हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और ये वो महीना है, ये वो कुरान है जो तूने नाज़िल किया है, हिदायत है लोगों के लिए, बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, हिदायत की रोशन निशानियाँ है, हक़ बातिल का फ़र्क है इसके अंदर, सब कुछ है,
मुजालतफ़ी लैलतुल क़द्र माबूद तूने इस महीने में, देखिए दुआ आप तो कुछ नहीं मांगे, मुजालतफ़ी लैलतुल क़द्र तूने इस कुरान इस महीने में शब क़द्र को करार दिया, मुजालता खैरम मिन अल्फ शहर इस शब क़द्र को हज़ार महीनों से अफ़ज़ल बनाया। अब तो क्या है, खुदा की बारगाह में बातें कर रहे हो और वो सारी बातें कर रहे हैं जो खुदा को मालूम है। मैं खुदा को बता नहीं रहा हूँ कि माबूद तूने ये किया ये किया, ये तो खुदा ने मुझे बताया कि ये किया, मैं तो खुदा से उन बातों का हवाला देकर दुआ कर रहा हूँ। वजालता खैरम मिन अल्फ शहर फयाज़ल मन्न एहसान करने वाले वला युमन्नु अलैक जिस पर कोई एहसान नहीं हो सकता मुन्ना अलैया मुझ पर एक एहसान कर दे, क्या एहसान कर दे, अब दुआ मांगी एक ही चीज़ मुन्ना अलैया बे फ़काओ के रखबती मिन अन्नार महबूद मुझ पर एहसान ये कर दे कि मुझे जहन्नम की आग से आज़ाद कर दे। फ़ी मन तमन्ना अलैह मुझे उन लोगों में शामिल कर दे जिन पर तू एहसान करता वदखिल जन्ना और फिर इसी का ततिमा एक तरह से कि जन्नत में दाखिल दे जहन्नम की आग से निजात। अज़ीज़ ने ग्रामी जहन्नम की आग से निजात के लिए अहम तरीन नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, अहम तरीन नुस्खा एक ही है रिस्क हलाल। मुमकिन नहीं है इंसान के पेट में रिस्क हराम हो और परवरदिगार से जन्नत की दरख्वास्त करे जहन्नम की आग से निजात मांगे। रब्बुल इज्जत की बारगाह में मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता देकर दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम रिस्क हराम से निजात इनायत करे। जिस दिल में मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत हो, जिस इंसान की रगों में दौड़ता हुआ खून मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत का गवाह हो, उस खून को रिस्क हराम से आलूदा नहीं होना चाहिए, उस दिल में रिस्क हराम की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। ये मिजाज नहीं होना चाहिए कि किसी का माल खा लिया चाहे कर्जे के नाम पर चाहे किसी नाम पर और उसके बाद देने को तैयार नहीं। ये मिजाज अहले बैत अथार के मानने वाले का नहीं होना चाहिए कि रिस्क हराम को इंसान हराम ना समझे, आसानी के साथ रिस्क हराम को अपनी जिंदगी में लेकर आ जाए, कारोबार में जॉब में नौकरी में पता नहीं कहीं पर भी सर्विसेज के अंदर। शबे कदर जहन्नम की आग से निजात मांगने की रात, ज़माने के इमाम की उल्फत और मोहब्बत और मवद्दत मांगने की रात, रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब मांगने की रात, हुसैन इब्ने अली की चौखट पर पहुँच कर अर्ज़ अदब और सलाम करने की रात, ज़ियारत करने की रात। शब जुमा भी है, शब लैलतुल क़द्र भी है, यकीनन दो जुमले ज़िक्र मसाइब के बग़ैर हम गुफ्तगू को मुकम्मल नहीं करेंगे। यकीनन रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने आंसुओं को पेश करेंगे और आप भी जब भी जहाँ भी आमाल करें कोशिश करें कि जब आमाल का मौका आए तो कोई ना कोई जिक्र हो मोहम्मद वाले मोहम्मद का। आंखों में जब आंसू आते हैं ख़ास तौर पर वो आंसू जो रब्बुल इज़्ज़त के क़ुर्ब में आते हैं रब्बुल इज़्ज़त के इश्क में आते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद के इश्क में आते हैं, ये दुआओं की कबूलियत का सबब बनते हैं निगरानी। और इसके साथ साथ मैं आपको और अर्ज़ करूँ जिक्र मसाइब पर ज़ाहिर सी बात है मैं अर्ज़ करूँगा, एक बात और अर्ज़ करो ज़रा गिरामी, तकदीर को अगर बनाना है तकदीर को अगर संवारना है अगर शब कदर में इंसान को अपना मुकद्दर बनाना है, एक अहम तरीन नुक्ता एंड देट इज़ सदका। यानी यकीन जानिए इबादत सिर्फ इतनी नहीं है कि इंसान मुसल्ले पर बैठ जाए नमाज़ें पढ़ ले रोज़े रख ले दुआएं पढ़ ले कुरान पढ़ ले, यकीनन इबादत है मैं इसे इनकार नहीं कर रहा, सारे काम अहले बैत अथार ने किए, नमाज़ें पढ़ी दुआएं पढ़ी रोज़े रखे कुरान की तिलावतें किए और इनक्रेज किया है मुझे आपको बार बार हौसला दिलाया, लेकिन ऐसा नहीं ग्रामी जब हम रिवायतों को देखते हैं ना अहले बैत अथार के अंदाज़ को देखते हैं तो चले एक दूसरे अंदाज से हम बात करें
कि भाई शब कदर आ गई, तकदीर बन गई, लिख दी गई तकदीर, मैं वाला की खिदमत में हाजिर हुआ, वाला तकदीर बन गई है, अब तो कुछ नहीं बचा मेरे हाथ में, वाला कोई नुस्खा बताइए मेरी बनी हुई तकदीर, लिखी हुई तकदीर तब्दील हो जाए, बेहतर हो जाए, कोई नुस्खा है? जवाब है कि यस, एक नुस्खा, और नुस्खा क्या है? राह खुदा में सदका दो। वो नुस्खा क्या है? अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, तुम्हारी लिखी हुई तकदीर बदल जाती है, खास तौर पर रिस्क के मामले में। मुमकिन नहीं जाने गिरामी इंसान की सदका देने की आदत हो, इंसान के रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, और परवरदिगार उसके रिस्क में वसत ना दे, उसकी जिंदगी में बरकत ना दे। तो आम हालात में अगर सदका इतना पावरफुल है, इतनी जबरदस्त इबादत है, आई भी मौत को टाल देता है सदका, रिस्क में इजाफे का सबब बनता है, रिस्क को खींचने का सबब बनता है, बीमारियों को दूर करने का सबब बनता है, जिंदगी में बरकत लाने का सबब बनता है। तो जब शब कदर में तकदीर बनाई जा रही, ये सदका क्यों असरअंदाज नहीं होगा? कोशिश करें गरीब पर सदका पहुंचा दें। अब यकीन जानिए, उस गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट एन मुमकिन है आपकी सारी दुआओं से ऊपर चली जाए। इस इबादत को मिस न करें। जमाने के इमाम से ताल्लुक को बरकरार करें। अहले बैत अतहार की ख्वाहिश में जब मैंने कल पढ़ा ना, थोड़ा सा रफ्तार के साथ पढ़ा, जो मौला अमीर की वसीयत है 21वें के दिन या 19वें की जरूरत लगने के बाद, अलैकुम बित्तवासुल व तबादल व इय्याकुम वत्तदाबर वत्तखातो। मेरे मौला तो हमको एक कहकर जा रहे हैं, आइमे तारीन का अंदाज यही है, सब कुछ करना, अहले ईमान के साथ कतई ताल्लुक मत करना, अहले ईमान के साथ ना रिश्ता मत तोड़ना, हमेशा रिश्ता जोड़ के रखना, तवासुल व तबाजुल, एक दूसरे को तोहफे देते रहना, एक दूसरे के साथ मिलते रहना, एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहना। अज़ान ग्रामी शब कदर मुकद्दर को बनाने की रात, ये वो टिप्स हैं, ये वो चीज़ें हैं छोटी छोटी। मैं फिकी मसाइल में नहीं जा रहा कि गसल भी करना है और उसका सवाब भी हो, ठीक है, वो तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन ज़रूर भी ज़रूर अपने आप को खुदा की बारगाह में पेश करें। मुझे याद है हमारे उस्ताद कहा करते थे, तुम्हें अगर जागती हुई तकदीर चाहिए तो जागकर गुजारो, सोती हुई चाहिए तो सोकर गुजारो। जागना एक मुस्तका अमल करार दिया गया, शायद राज यही है कि माबूद देख मैं इस रात को सो नहीं सकता, मेरी आँख नहीं लगेगी, माबूद तेरी बारगाह में अर्ज़ अदब की रात है, राजो न्याज की रात है, तेरी बारगाह में पेशी की रात है। बस दादारान, मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूं। शब जुमा, मेरा दिल चाहता है अजमल अब्बास के वास्ता देकर रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें। शब जुमा खुदा नसीब करे इंशाल्लाह, एक शब कदर एक शब जुमा ऐसी भी हो कि इंशाल्लाह मौला हुसैन के हरम में हो, करबला मौला में हो, वहाँ मौला अब्बास की ज़ियारत पढ़ें, वहाँ मौला हुसैन की ज़ियारत पढ़ें। असाधारण हमारी ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, हम जब वसीला पेश करते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद का पेश करते हैं, अब्बास उस जरी का नाम है जो करबला के मैदान में तीन मासूमों के होते हुए अहले बैत का आसरा था। सैयद शहदा करबला के मैदान में मौजूद हैं, इमाम सज्जाद मौजूद हैं, बचपन के आलम इमाम बाखिर मौजूद हैं, लेकिन ज़ैनब की चादर का आसरा अब्बास, सकीना की प्यास का सहारा अब्बास, हुसैन का कुव्वत बाजू अब्बास, जब आए ना मौला अबुल फजल अब्बास हुसैन मलिक के पास, और जब इजाज़त मिली कहा जब अब्बास ज़ैनब से इजाज़त लेकर आ जाओ, जब आए जनाब ज़ैनब के खेमे में, वो वक्त था जब ज़ाहिर सी बात है कि सारा लश्कर
जहाँ में शहादत दोष कर चुका है, औरा मोहम्मद के जनाजे आ चुके हैं, कासिम इब्न हसन की लाश आ चुकी है घोड़ों से पामाल शुदा, खड़े हो गए जनाब ज़ैनब के खेमे में जाकर, ज़ैनब ने सर से पैर तक अब्बास को देखा, खा अब्बास पर समझ गए तुम क्यों आए हो, नहीं रुकूंगी अब्बास जाओ, तो जाने की इजाज़त दी, लेकिन अब्बास जाते जाते एक बात सुनते जाओ, बीबी फरमाइए क्या बात है, लोग कहने लगे अब्बास मैं कूफे में थी, परेशान हो से रिदा हट गई थी, मेरे बाबा की नज़र पड़ी थी, उससे कहा था ज़ैनब सब्र करना, इस कूफे की शहजादी है, एक वक्त आएगा जब इसी कूफे में दियार बदियार फिराई जाएगी, बाजारों में फिराई जाएगी, तेरे बाजुओं में रस्सी बंधी हुई होगी। अब्बास में सोचा करती थी अगर किसी बहन का एक भाई हो, किसी की हिम्मत नहीं होती उसकी तरफ नज़र उठा कर देखें, भैया अब्बास आज तुम जा रहे हो ना, ज़ैनब को यकीन आ गया अब सर से रिदा भी छीनेगी, अब्बास जो में रस्सी भी बंधेगी, अब्बास अब ज़ैनब जाने कूफे का बाजार, जाने शाम का दरबार, महमूद हमारे इस खलील तवसल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, गम मोहम्मद आल मोहम्मद के सिवा कोई गम हमारी ज़िंदगी में शामिल न फरमा, हमारे नासूम गुरु माल हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह में जगह इनायत फरमा, महमूद मोहम्मद आल मोहम्मद का वास्ता, अगर आज की रात शब कदर है बेहतरीन तकदीर हासिल करने वालों में हम सब का नाम शामिल फरमा, तमाम गुनाह कबीरा सगीरा की मगफ़रत फरमा, तमाम इबादतों दुआओं नमाजों रोज़ों तिलावतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, माबूद जहन्नम की आग से निजात हासिल करने वालों में हम सब का नाम शामिल फरमा, हमारे मरहूमीन हमारे वालदैन जिस जिस इल्तमास से दुआ का परवरदिगार सब को जहन्नम की आग से निजात इनायत फरमा, हमारी हमारे मरहूमीन की तमाम गुनाह कबीरा सगीरा की मगफ़रत फरमा, माबूद हम सब के रिज़्क हलाल व तय्यिब में कसरत बरकत वसअत इनायत फरमा, मकरूज़ों के कर्ज़ को गैब से अदा फरमा, बीमारों के शफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, पे औलादों को औलाद सालेहा से सरफराज फरमा, साहिबान औलाद को बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक इनायत फरमा, अपनी आखिरी हुज्जत इमाम में असर व जमा के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा, अज़ान ग्रामी शब जुमा और शब लैलतुल क़द्र की मुनासिबत से अपने मरहूमिन को ज़रूर शामिल कीजिए, मैं इन मरहूमिन के नाम ले रहा हूँ इनको भी शामिल कर लीजिए, सूरह फातिहा में मरहूम शहीद हमीद अली भोजानी, मरहूम दोस्त मोहम्मद भोजानी, उस्ताद शहीद सिफ जाफ़र, मौलाना हाशिम रज़ा जाफरी, मरहूम अकबर अली फिदा हुसैन लाल जी और उनकी अहलिया, मरहूम सैयद तकी आबिद रिजवी इबन सैयद अली आबिद रिजवी और उनकी मरहूम अहलिया, मरहूम विलायत हुसैन ए वी डी, मरहूम अक्सर जहरा, मरहूम यूसुफ़ अली रूहानी और उनकी मरहूम अहलिया, मरहूमा फिरोज़ा बानो बिनते बच्चू भाई, आविदा खातून बिनते दोस्त मोहम्मद, रमज़ान अली इबन बहादुर अली, शीरीन बाई मोहम्मद अली धनजी इब्न गुलाम हुसैन धनजी, मरहूम निसार अली वज़ीर अली, मरहूम बच्चू भाई गुलाम हुसैन, मरहूम गुलाम अली पंजवानी सर, मिस्टर एंड मिसेस हैदर भाई अल्लामा साहब, अफजल अली बदामी अबू तालिब स्काउट वाले, हैदर अली वाडिया उनकी फैमिली के तमाम मरहूमिन, मुमताज़ अली रावजानी आसारिया और पिरानी फैमिली के तमाम मरहूमिन, मोहसिन अली लाखानी इब्न रमज़ान अली लाखानी, फातिमा भाई शरीफ, अनवर अली हेमानी इब्न कासिम अली हेमानी, मिसेस साइमा वाइफ ऑफ सज्जाद हुसैन देवजानी, मरहूम गुलाम अब्बास टेंकी वाला, मरहूम चौकीदार रजब अली, मिस्टर मिसेस शेर अली राजानी और उनकी फैमिली के तमाम मरहूमिन, मरहूम याकूब अली हैदरी, मरहूम सैयद मोहम्मद अत्तार रिज़वी, इसके अलावा लाखानी धनजी पंजवानी प्रधान शरीफ गुलानी अमरसी जीवानी वाडिया असारिया पीरानी हेमानी राजानी नूरानी रिज़वी लालजी बाबा रूहानी धारसी भुजानी देवजानी और नायन फैमिली के तमाम मरहूमिन, तमाम उलमा कराम शहदा इज़ाम जिन्होंने अहले बैत की मोहब्बत के जुर्म जाम शहादत नोश किया, वो हर वो फ़र्द जिसने किसी अंदाज से दाम दरम खिदमत सुखन फ़र्श अदा की खिदमत की, तमाम नोहा खान उलमा मुज़ाकिरीन खुतबा शोरा मातमदारान सीनाजन इस दुनिया से रुख़सत हो गए, उन सबको शामिल करते हुए उमूमी तौर पर तमाम मरहूम मोमिनात के लिए रहीम अल्लाहु मन करे अल-फातिहा, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर-रहमान अर-रहीम, मालिक यौमिद्दीन, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. شب قدر شب جمعہ کی مناسبت سے بہرحال بہت سارے لوگوں نے صحت کے لیے درخواست کیے, دعا کے لیے درخواست کیے, پالنے والے بیمار کربلا کا صدقہ, محمد و آل محمد کا صدقہ, جو مومن مومنات جہاں جہاں بیمار ہیں جنہوں نے بطور خاص دعا کی درخواست کی ہے, ہمارے یہاں پر پی سی ایم کے جو برادران جو جن کے لیے دعا ہوتی رہی, علی بھائی رضوی اور اس عمومی طور پر جو کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ پائے, جو کہہ چکے ہیں, سب کے لیے پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ, حاضرین ناظرین جو ابھی سن رہے ہیں بعد میں سنیں گے, پالنے والے سب کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.